बचपन में कैसी दिखती थी संजय दत्त की मां नरगिस। 1 जून 1929 को नरगिस दत्त का जन्म फातिमा राशिद के रूप में हुआ था। उन्होंने 1935 में रिलीज हुई फिल्म तलाशे हक में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और वहां से उन्हें बेबी नरगिस के रूप में नामित किया जाने लगा था। साल 1940 से लेकर 1960 तक नरगिस ने सबसे ज्यादा फिल्में राज कपूर के साथ की थी। जब वह केवल 28 साल की थी तब उन्हें मदर इंडिया में राधा की भूमिका के लिए ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। कहा जाता है कि नरगिस को सुनील दत्त से तब प्यार हुआ था जब दोनों मदर इंडिया की शूटिंग कर रहे थे। दरअसल एक बार सेट पर आग लग गई थी और सुनील दत्त ने एक्ट्रेस की जान बचाई थी और उसके बाद दोनों को प्यार हो गया था। बता दें कि फिल्म में सुनील दत्त नरगिस के बेटे बने थे। रिपोर्ट के अनुसार सुनील दत्त से पहले नरगिस राज कपूर को डेट कर रही थी, बल्कि राज कपूर पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए एक्ट्रेस ने उनसे किनारा कर लिया था। नरगिस ने अपनी किताब द ट्रू लव स्टोरी ऑफ नरगिस एंड सुनील दत्त में लिखा है कि जब वह राज कपूर से अलग हुई थी तो उनके मन में सुसाइड का ख्याल आने लगा था। 1958 को नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली थी और कुछ समय बाद बॉलीवुड को छोड़ दिया था। हालांकि नरगिस को साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म रात और दिन में देखा गया था और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेसेस नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। एक्ट्रेस के सम्मान के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता पर बेस्ट फीचर फिल्म के पुरस्कार को नरगिस दत्त पुरस्कार कहा जाता है। नरगिस के बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की रिलीज से 3 महीने पहले ही उनका निधन हो गया था। नरगिस की याद में 1982 में सुनील दत्त ने मुंबई में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की थी।